गुड मॉर्निंग जी, आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से मज़े में होंगे। तो इस वक्त यहाँ पे खैर गुड मॉर्निंग तो नहीं, गुड आफ्टरनून हो रहा है। तो अभी बस आज फ्राइडे, हम लोग अभी क्लासेस वगैरह लेके आए हैं वापस, और अभी हमने ज़रा गाड़ी हमारी बहुत ज़्यादा गंदी थी और कुछ चीज़ें हमने मंगवाई थी पाकिस्तान से, वो भी हमने इंस्टॉल करनी थी, तो वो भी करते हैं और थोड़ा गाड़ी को साफ़ करते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए। और आज हम लोग जाएंगे एक न्यू मस्जिद में, आपको वो भी दिखाएंगे, तो चलते हैं। गाड़ी की बात करें तो इस वक्त आप देख सकते हैं गाड़ी फुल मिट्टी मिट्टी होई हुई है, क्योंकि यार ये रोड पे खड़ी होती है और इस वजह से फिर काफ़ी गंदी हो जाती है। तो बस जल्दी जल्दी से इसका एक बिफोर आफ्टर भी करते हैं ना, मज़ा आ जाए ताकि थोड़ा व्लॉग में बिफोर। बॉयज़ यार, ये हमने गाड़ी के लिए गियर नॉब मंगवाई थी नॉस रेसिंग की, लेकिन यार ये इंस्टॉल नहीं हो रही, आई डोंट नो, पता नहीं इसको क्या इशू है। अगर किसी को पता है कि ये कैसे खुलती है तो मुझे बता सकता है, इससे थोड़ी सी गाड़ी में स्पोर्टी लुक आ जाती, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये खुल नहीं रही हमसे, पता नहीं कैसे खुलती है। तो भाई साहब, अगर गाड़ी की आफ्टर वाइज भी आए ना तो यार गाड़ी इज़ लुकिंग वेरी नाइस, लेकिन एज़ यूजल भाई आपको पता है कि टायर साफ़ करते हुए ना मुझे वक्री मौत आ जाती है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा फिर से बिफोर आफ्टर करते हैं। चलें जी, बिफोर एंड आफ्टर। तो आफ्टर वाइज पे आएँ तो यार गाड़ी इज़ लुकिंग वेरी नाइस, अब आप देख सकते हैं गाड़ी के टायर्स वगैरह भी सही हैं, और अब आपको गाड़ी में एक एक्स्ट्रा चीज़ नज़र आ रही होगी, यार ये स्टिकर हमने मंगवाया था पाकिस्तान से, क्योंकि यहाँ पर हमें कस्टमाइज स्टिकर मिल नहीं रहा था। तो लुक एट दिस ब्रो, चलते हैं घर, अब मिलते हैं फिर आपसे कुछ ही देर में। तो ब्रो सीन ये है कि यार हमने गाड़ी वगैरह बिल्कुल फिट कर दी है, ओके हो गई है, अब हम लोग चलते हैं घर और जुम्मे की तैयारी भी करनी है, जल्दी से तैयार होते हैं फ्राइडे के लिए और फिर आपसे मिलते हैं कुछ ही टाइम में। और गाड़ी के मैं फाइनल शॉट्स ऐड करूँगा सनसेट के टाइम, क्योंकि सनसेट पर ना थोड़ी गाड़ी ज़्यादा मज़े की लगती है। जरा अपनी सूरत हाल पर आए तो लुक एट दिस यार, व्हाट इज दिस, बट स्टिल वर्थ इट। फ्लैश ऑन हो गया तो चलो खैर है, लेकिन गाड़ी के बिफोर आफ्टर के बाद अब हम लोग अपना बिफोर आफ्टर स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं आपसे एक न्यू लुक के साथ। वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आई होप ऑल ऑफ यू गाइस आर डूइंग वेल। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू व्लॉग, दिस इज मी अब्दुल अहद कुरैशी एंड नाउ यू गाइस आर वाचिंग डॉक्टर 97 व्लॉग्स। तो चलते हैं आज का न्यू व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने व्लॉग तो पहले स्टार्ट हो चुका था लेकिन प्रॉपर वे में स्टार्ट नहीं हुआ था, तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज है फ्राइडे जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, तो सुबह हम लोग पहले यूनिवर्सिटी गए थे, अपनी क्लासेस वगैरह ख़त्म की हैं, उसके बाद हम लोग बस वापस आए हैं, जुम्मे के लिए तैयार वगैरह हुए हैं और अभी टाइम है फ्राइडे के लिए निकलने का। तो चलते हैं, आज हम लोगों ने जाना है शिफन ताशफे मॉस्क, नई मस्जिद लेके आए हैं आपके लिए, तो मैं ख़ुद भी फर्स्ट टाइम जाऊंगा, आप लोगों को भी लेके चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या सीन है। आई होप अच्छी होगी मस्जिद, तो सभी अच्छी होती हैं, अल्लाह ताला का घर होती हैं, लेकिन फिर भी लेट्स एक्सप्लोर। तो गाइस सीन ये है कि बस अब हम लोग वेट कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स का, बस वो लोग आ जाएं तो फिर निकलते हैं हम लोग। बाय द वे दिस स्टिकर इज़ लुकिंग Nice, Terminator. ये हमारा कज़न है, बहुत अच्छा प्यारा सा भाई है हमारा उसामा, उसने हमें भेजी है पाकिस्तान से और हमने लगा लिया है। अगर वो देख रहा है तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। तो चलते हैं यार, वो लोग आ जाएं तो बस निकलते हैं फटाफट से और दिखाते हैं फिर आपको क्या सीन है। मौसम की बात करें तो आज मौसम भी मज़े का है, लेट्स गो। अच्छा, तो यार सीन ये है कि बस अब हम लोग वेट कर रहे हैं अपने बॉयज़ का, जैसे ही वो लोग पहुंचते हैं तो फिर हम लोग निकलते हैं मस्जिद की तरफ। ऑलरेडी हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं लेकिन होप सो हम लोग टाइम पे पहुंच जाएंगे, बस उनका वेट है। आपको पता है यार, हम बॉयज़ ने जब भी कहीं जाना हो ना, हम लोग सब इकट्ठे जाते हैं, किसी को छोड़ के नहीं जाते लड़कियों की तरह, खैर ज़्यादा पर्सनल हो गया। तो बस जैसे वो निकलते हैं तो फिर हम चलते हैं, अब हमने दूसरे एक दो बॉयज़ को भी पिक करना है, उनको भी पिक करेंगे और फिर निकलेंगे हम लोग जुम्मे के लिए।
फाइनली बॉयज आ गए हैं, लेकिन इनको गाड़ी नहीं मिल रही, लेकिन मिल भी गई है। देखिए कैसे मॉडलिंग करते हुए आ रहे यार, लेकिन इस बंदे को देखें। आज हमारा डिसाइड हुआ था कि हम लोग सारे आज शलवार कमीज पहनेंगे, लेकिन ये दो बीच में से बचने मुनी है। मंटो पहना आए हाय हाय, आ गया यार ये मंटो पहन के आ गया। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप भी ठीक हैं? गाड़ी चलाएं, लेट हो गई, चलते हैं यार। ये देख लें यार, गरीब अंदर बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ, गरीब बैठे। आए हाय, ये हमारा वेट कर रहे, चले गेट डाउन कर, क्या बात है, आजो 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 बैठो। फाइनली हम लोग फर्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच आए हैं, डेस्टिनेशन पे अपनी, तो बस जल्दी से पेट्रोल डलवाते हैं और फिर निकलते हैं। कोई नहीं बोला, माशाल्लाह क्या बात है, समझदार लोग हैं, बात समझते हैं मेरी। जुम्मा नहीं छोड़ते यार। गाइस हम लोग लेट हो गए हैं जुम्मे से, इधर 12:50 पे होता है और हम लोग आज फर्स्ट टाइम आए, हमें पता नहीं था, लेकिन अब क्या हो सकता है यार। यार लुक एट दिस, कितने मज़े का मौसम है। और सीन ये हुआ यार, हमने पता नहीं था इधर जुम्मा कितने बजे होता है, तो उस हम लोग काफ़ी लेट निकले थे घर से, तो लेकिन अब क्या हो सकता है। बस अब हम लोग इधर से निकलते हैं वापस, हम लोग थीशी जाते हैं, ये सारी आवाम लेट हो चुकी है, लेकिन अब निकलते हैं इंशाल्लाह, जुम्मा हम लोग नहीं छोड़ते। ये देखें यार, वैसे मस्जिद बहुत मज़े की, आज हमारे पास टाइम नहीं, हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे हम यहाँ पे जुम्मा पढ़ेंगे, तो फिर आपको इस विज़िट करवाएंगे इस मस्जिद का। वेलकम बैक, सोने हाल सजना दे से इधर पहुँचाए हैं थीशी मॉस्क, तो जल्दी जल्दी से निकलते हैं। आई थिंक सो नमाज स्टार्ट हो गई है, तो इंशाल्लाह नमाज के बाद फिर आपसे मिलते हैं। गाइज अभी मैं और आहद डॉक्टर 97 मेरे साथ हैं माशाल्लाह से, बस आपकी दुआएं, आपके सपोर्ट आपके साथ ही है। और अभी हम लोग निकलने लगे, थोड़ी बहुत देर के बाद एक दो शॉट्स वगैरह और लेंगे, और मूसा साहब भी आ गए, मूसा सलाम कर दिए। तो हम लोग रमज़ान पूरा ऊपर नीचे सेट हो चुके हैं, रमज़ान करीम करीब आ रहे हैं, ठीक है, दुआएँ निकल रही हैं, गालियाँ कम निकल रही हैं। अच्छा तो बॉय सीन ये है कि यार हम लोगों ने नमाज़ वगैरह पढ़ ली है, शिफन ताश में हम लोग गए थे, लेकिन हम लोग बहुत लेट हो गए थे, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था ना कि वहाँ पे नमाज़ कितने बजे होती है, और हम लोग, आप लोगों को पता है, घर से भी ऑलरेडी थोड़ा सा लेट निकले थे। तो खैर बहुत मज़े की जगह थी, बहुत मज़े का व्यू था, बहुत मज़े की मस्जिद थी, अंदर तो हम लोग नहीं गए क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके थे, तो बस अभी इधर आए हैं मस्जिद में, तो यहाँ पर जुम्मा वगैरह बस पढ़ लिया है, बमुश्किल पहुँच गए थे, तो अब चलते हैं घर और मिलते हैं फिर आपसे। चलते हैं बॉयज फिर घर, और देख सकते हैं यार माशाल्लाह माशाल्लाह बीस्ट क्या लुक दे रही है।
आपको मैं एक राउंड अबाउट, यार हम लोग गए थे उधर शिफन ताश पे गए थे, वहाँ पे थोड़ा सा रास्ता ख़राब था तो इस वजह से थोड़ा सा ना गाड़ी गंदी हो गया, बाकी लुकिंग नाइस। घर पहुंचा है, जुम्मा वगैरह हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन हम लोग शिफन ताशफे की मस्जिद में आज जुम्मा नहीं पढ़ सके क्योंकि लेट हो गए थे यार। वहाँ पे आई थिंक 12:50 पे जुम्मा होता और हम लोग 12:30 घर से निकले थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को आपको हम लेके जाएंगे शिफन ताशफे। तो बाकी अब रमज़ान आने वाला है यार, जिक्र वगैरह स्टार्ट कर दो, इबादत वगैरह करो, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत करो और किसी जी। से जी सही कह रहा हूँ, हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, जो बताया आंसर है यार बंदा पता नहीं क्या। हाँ जी इबादत करनी चाहिए, जिक्र करना चाहिए। हाँ जिक्र करना है आपने सबसे ज्यादा से ज्यादा। रमजान आने वाला है बल्कि आ चुका है, मंडे को आई थिंक फर्स्ट रोजा है, तो आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी है, जिक्र करना है, आप लोगों ने कोशिश करना है कि कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका टाइम है वो इबादत करने में गुजरे, कुरान मजीद की तिलावत करें, ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ें पढ़ें, नवाफिल पढ़ें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ना अच्छे काम करें, गलत कामों से थोड़ा सा खुद को साइड पे कर लें, झूठ वगैरह बोलने से, गीबत करने से, और ख़ास तौर पर जो लोग चाइना में हैं वो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। मैं फिर बता रहा हूँ, एक दफ़ा डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो और मेन जो पढ़ाई को भी छोड़ दो, मैं कहता हूँ बस रमजान में जो आपने मेन फोकस करना है ना वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को राजी करने में, आखिरत की तैयारी में करना। यार ये दुनिया फानी है, दुनिया की सारी चीजें इधर ही रह जाएंगी। और पाकिस्तानी लोगों के लिए मैंने उनको स्पेशल कहना चाहता हूँ कि यार खुदा का वास्ते इस दफा ना रमजान में रोजे पूरे रख लेना, मतलब ये नहीं कि रोजे खा जाते हो, इंटरनेशनली तुम लोग ना ऑफिशियली रोजा खा जाते हो, दो या एक रोजे हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पूरे रोजे रखते हैं, तो यार रोजे रखा करो अच्छी बात होती है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है। हम भी रखेंगे, आप भी रखें, हम तो रखते हैं यार शुक्र, VIP रोजे रखने हैं आपने। तो इसके अलावा मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि यार आपको पता है कि मार्च का महीना चल रहा है और जैसे कि चाइना में मार्च इनटेक में एडमिशन स्टार्ट हैं और हमारे पास इस वक्त शेनयांग मेडिकल कॉलेज भी है और हुबेई यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये भी है, तो मार्च इनटेक में एडमिशन स्टार्ट हैं, आप लोग एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके इंफॉर्मेशन डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं और ग्रैब योर सीट एज सून एज पॉसिबल। तो मिलते हैं आपसे एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और रमज़ान में मेरे लिए स्पेशली आपने दुआ करनी है, इसके लिए भी करनी है, अल्लाह ताला इसको थोड़ी सी सेहत अता फरमाए। तो मिलते हैं आपसे एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर साहब मैं आपको कह रहा हूँ ये आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, लोग वीडियोज देखे गायब हो रहे हैं तभी आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। नाजरीन देखें मेरे गरीब भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घर वालों को अपने रिकमेंड करें, शुक्रिया। यार आप लोग अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे, ना रिकमेंडेशन दिए घर वालों को, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो।